अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम सर। सर, वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम सर। अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात, कुछ बच्चे ऐसा फील करते हैं कि मैं डीन होल्डर्स के नाम लेता हूँ तो मैं उनको क्या नाम है बहुत ऊपर सुपीरियर कर रहा हूँ आप सबसे। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि उनका नाम लेने का मकसद क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, उनका नाम लेने का मकसद यह है कि उनसे सुना इसलिए जाता है क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग पढ़ते हैं, ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर। उससे क्या होता है कि वो लोग जब सुनाते हैं तो आप लोगों की भी रिपीटेशन हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जो बंदा पढ़ने वाला होता है ना, ठीक है, टीचर उसका डेली बेसिस पे उसको टास्क देता है ताकि वो बच्चा अपना पेस मेंटेन करे, ठीक है। आप लोगों को उनकी एग्जाम्पल देने का ये मतलब नहीं है कि दे आर सुपीरियर टू यू पीपल, ठीक है। आप लोगों को उनकी एग्जाम्पल देने का ये मकसद है कि आप लोग उनके अकॉर्डिंग जैसे वो पढ़ते हैं उनसे पूछो कि यार आप लोग किस तरह पढ़ते हो, हाउ यू मैनेज योर टाइम, ठीक है, क्या करते हो यार, किस तरह लिख के पढ़ते हो, याद करते हो, वट एवर। जो भी आप लोगों को कुछ अगर नहीं समझ आ रहा तो वो अगर उन लोगों को पता तो यू कैन आस्क देम ऑल्सो, ठीक है। आप लोग भी अगर पढ़ सकते हो, सेम दिमाग है उनके पास भी, आप लोगों के पास भी, यू कैन ऑल्सो गेट द डीन अवार्ड। उनका नाम लेने का ये मकसद नहीं है कि मैं किसी बच्चे को डिग्रेड कर रहा हूँ या किसी बच्चे को बुरा फील करवाना चाह रहा हूँ कि जी वो पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे हैं आप लोग बुरे हो, इसका ये मतलब नहीं होता, ठीक है। इवन बल्कि क्या नाम है, उनसे बहुत ज़्यादा क्या नाम है, मुश्किल सवाल किए जाते हैं। वाइवा में भी आप लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चन उनसे किए जाएंगे ना, बाकी बच्चों से इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं किए जाते, और ये हर टीचर इसी तरह करता है। तो मुझे कुछ बच्चों ने बोला कि सर हमें क्या नाम है बहुत बुरा लगा, हम लोग भी ट्राई करते हैं। नो डाउट यू पीपल ट्राई, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उन बच्चों का नाम लिया जा रहा है या उनको बुलाते हैं उनको कुछ बोलते हैं तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो लोग आपसे सुपीरियर हैं और आप लोग इन्फीरियर हैं या आप लोगों को डाउन फील करवाना चाह रहा है कोई, ठीक है। समझ आ गई सबको? क्यों वसीम साहब, मैंने सही कहा? यस सर। फरानूर, यस सर। बाजी, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने? सर, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ट्वाइल के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी, और इसके अलावा जो उसमें रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह इस्तेमाल होता है वो, और इसके अलावा जो रेडियो फार्मास्यूटिकल डिफरेंट ऑर्गन्स में यूज होते हैं उनकी स्टडी की थी। गुड, ठीक हो गया। अरसलान, यस आके मुझे ये बताओ कि टेक्नीशियम लेबल सल्फर क्लोराइड किस किस ऑर्गन में यूज होता है? सॉरी सर, असल मैंने नहीं पढ़ा था लास्ट वाला सर। ये तुम लोग को लास्ट वार्निंग है, नेक्स्ट लेक्चर में अगर किसी बच्चे ने मुझे ये बोला ना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एब्सेंट लगा कर उसको किकआउट कर दूंगा क्लास से, ठीक है, क्योंकि मिड ऑफ द सेमेस्टर होने वाला है और तुम लोग स्टिल वही हरकतें चल रही हैं, सर हमने कल का नहीं पढ़ा था, सर हमने परसों का नहीं पढ़ा था, तो आई थिंक आई शुड नॉट बी लीनियंट विद द पीपल फ्रॉम नाउ ऑन, क्योंकि तुम लोग उसको ना बहुत ज़्यादा लाइट ले रहे हो। जिसको भी पूछ लो, चाहे लड़की है लड़का है, वो आगे से कहते हैं सर मैंने कल वाला लेक्चर बस नहीं पढ़ा, सर मैंने ये नहीं किया। तो सारा, यस सर। आप बताएं मुझे, सल्फर कोलोइड किन किन ऑर्गन्स में यूज करते हैं? सर, लिवर के लिए, और जो मेजरली है वो लिवर और बोन मैरो के लिए, और 3% जो उसकी लोकलाइजेशन स्प्लीन में भी होती है। और इसमें हम पार्टिकल साइज कितना यूज करते हैं, एनी आइडिया? 0.3 आगे माइक्रो क्या? माइक्रोमीटर। ठीक हो गया। और अगर हम क्या नाम है, एल्ब्यूमिन के माइक्रो एग्रीगेट्स जो हैं वो माइक्रो एग्रीगेट्स वो अगर यूज करें तो उसमें पार्टिकल साइज कितना था? वन
ठीक हो गया। अच्छा जी, आज हमने स्टार्ट करना है कहाँ से, हिडा से स्टार्ट करना था राइट, उससे ऊपर ऊपर तक हमने पढ़ लिया था। अच्छा जी, वो कहते हैं टेक्नीशियम 99 लेवल 2-6 डाई मिथाइल एसीटिनोलाइड एमाइनो डाइएसिटिक एसिड जिसको हम हिडा बोलते हैं और इसके रिलेटेड कंपाउंड्स कौन से हैं, डाइथाइल आईडीए पेपिडा एंड डिसीटा। ठीक है, ये वाले कंपाउंड्स कौन से हैं, वो कहता है ये वो कंपाउंड्स हैं जो कि द रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर यूज फॉर द इमेजिंग ऑफ हेपेटोबिलरी सिस्टम, जैसे कि ऊपर सल्फर कोलॉइड अभी बताया सारा ने, ठीक है वो भी यूज होता है लिवर इमेजिंग के लिए, बट अगर यू गो फॉर द स्पेसिफाइड रेडियो फार्मास्यूटिकल ओनली फॉर द लिवर देन इट इज द हिडा। ठीक है, उसकी फुल फॉर्म जो ऊपर मैंने वो लिखी है वो पढ़ लेना। इन नॉर्मल सब्जेक्ट्स टेक्नीशियम हिडा इज रैपिडली क्लियर फ्रॉम द ब्लड बाय हेपेटोसाइट्स। The half-time for blood clearance is approximately several minutes. ठीक है, आपके ब्लड के अंदर से कुछ ही मिनट्स के अंदर ये हाफ से ज़्यादा वॉश आउट हो जाता है। ठीक है, द ट्रांजिशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी फ्रॉम द लिवर थ्रू गॉल ब्लड टू इंटेस्टाइन इज ऑल्सो फास्ट। जो आपकी मूवमेंट है रेडियो एक्टिविटी की लिवर में से गॉल ब्लड और गॉल ब्लड से फिर आपके इंटेस्टाइन एंड देन एक्सक्रीशन फ्रॉम थ्रू द फीसेस इज ऑल्सो फास्ट। विद इन एन आवर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ओवर 70% ऑफ द इंजेक्टेड डोजेज इज इन इंटेस्टाइन। ठीक है, वो कह रहा है कि आपने फॉर एग्जांपल अगर 10 मिलीक्यूरी इंजेक्ट किया है तो उसमें से 70% यानी कि 7 मिलीक्यूरी से एक घंटे के अंदर अंदर आपके इंटेस्टाइन में चला जाएगा और आफ्टर सम टाइम वो आपके फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट कर देगा बॉडी के अंदर से। उसके बाद कहते हैं अबाउट 15% ऑफ द इंजेक्टेड डोजेज इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर। और इसी तरह जो आपकी 15% है इंजेक्टेड डोजेज का यानी कि 70 वो और 15 ये हाउ मच इट बिकम्स 85। ठीक है, तो 85% ऑलमोस्ट 1 आवर के अंदर एक्सक्रीट कर जाता है आपके यूरिन और फीसिस के थ्रू। द रिमाइंडर ऑफ द एक्टिविटी इज इवेंचुअली एक्सक्रीटेड इन फीसिस यूरिन एक्सक्रीशन ऑफ द डाइथाइल आईडीए इज स्मॉलर देन दैट ऑफ पेपिडा और डिसीटा। वो कह रहा है कि जो यूरिनरी एक्सक्रीशन है आपके डाइथाइल आईडीए की वो कम है पेपिडा और डिसीटा से। द ट्रांजिट एंड एक्सक्रीशन ऑफ दीज कंपाउंड्स थ्रू द हेपेटोबिलरी सिस्टम इज स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन द पोटेंसी ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, वो कह रहा है कि जो आपकी क्या नाम रेडियो एक्टिविटी का वॉश आउट है हेपेटोबिलरी सिस्टम से यानी कि लिवर और गॉल ब्लैडर सिस्टम से वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि ये सिस्टम कितना कंप्लीट है, मतलब कितना अच्छा वर्किंग है। ठीक है, अगर तो आपका लिवर खराब होगा और गॉल ब्लैडर सिस्टम प्रॉपरली वर्किंग नहीं होगा, ठीक है, आपके बिलरी चैनल्स में कहीं पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह, तो जल्दी आपकी रेडियो एक्टिविटी क्लियर आउट नहीं होगी आपके हेपेटोबिलरी सिस्टम में से। नेक्स्ट आता है जी टेक्नीशियम लेवल सिस्टम ए बी और इसका मार्केट नेम है कार्डियोलाइट। ठीक है, आप लोगों को इस चीज़ का तो आइडिया है ना कि मार्केट नेम और सॉल्ट नेम में क्या डिफरेंस होता है किसी को आइडिया? यस सर। हाँ, जो आपका क्या कहते हैं जैसे एजोमैक्स ही ना, तो उसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन थी। ठीक है, एजोमैक्स अब एक कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देता हूँ एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, तो मैं उसको कुछ भी और नाम दे देता हूँ। ठीक है, एजो प्लस दे सकता हूँ उसका नाम। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास में से नादिर है, नादिर की कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो अगर मैनुफैक्चर करना शुरू कर देता है एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, तो वो उसको एजोलाइट के नाम से मैनुफैक्चर कर सकता है। सिमिलरली डिफरेंट कंपनीज जो क्या नाम है ये आके कहते हैं मैनुफैक्चर करके भेजती हैं किट्स। ठीक है, तो अगर क्या नाम है फॉर एग्जाम्पल सिस्टम में भी दो कंपनी मैनुफैक्चर करी, तो एक ने नाम उसको दे दिया कार्डियोलाइट, दूसरी कंपनी उसको नाम दे सकती है कार्डियो प्लस। ठीक है, तो इस चीज़ से परेशान नहीं होना। ठीक है, बट जो क्या नाम है मोस्ट कॉमनली मार्केट में नाम यूज होता है सिस्टम एबी के लिए वो कार्डियोलाइट ही यूज होता है। ठीक है, तो ये एक फार्मास्यूटिकल है जो हम हार्ट की इमेजिंग के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज इन ट्यूमर इमेजिंग फॉर एग्जाम्पल इन द ब्रेस्ट इज ऑल्सो एक्सप्लोर्ड। ठीक है, ये ट्यूमर इमेजिंग के लिए मोस्ट कॉमनली यूज होता है हार्ट के अंदर, बट ब्रेस्ट के अंदर भी इसके यूजेस आजकल देखे जा रहे हैं। बींग ए टेक्नीशियन लेबल कंपाउंड इट हैज एन एडवांटेज ओवर थैलियम फॉर हार्ट इमेजिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग हायर फोटॉन फ्लक्स फॉर द सेम रेडिएशन डोज टू द पेशेंट। वो कह रहे हैं कि जो आपका टेक्नीशियम लेवल सिस्टम है ना, इसकी थेलियम लेवल सिस्टम ए बी से एफिशिएंसी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो आपका टेक्नीशियम है ना, अगर सेम रेडियो एक्टिविटी अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 10 मिलीक्यूरी सी टेक्नीशियम है और 10 मिलीक्यूरी सी थेलियम है, तो आपकी जो टेक्नीशियम में से रेडियो एक्टिविटी एमिट होगी, ये मतलब यानी कि उसके पास जो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू थेलियम। ठीक है, जिसकी वजह से आपको क्या नाम है ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी मिलती है सेम अमाउंट में टेक्नीशियम की एज कम्पेयर टू थेलियम। तो इसलिए इसको अच्छा कंसीडर किया जाता है टेक्नीशियम लेबल्ड सिस्टम एबी को। आफ्टर इंटरवेनस इंजेक्शन इट इज एक्सट्रैक्टेड बाय द मायोकार्डियम इन प्रोपोर्शन टू द ब्लड फ्लो। ठीक है, वो कहता है जब आपने इंजेक्शन लगा दिया है बॉडी के, तो उसके बाद जो आपकी
मायोकार्डियम है उसके अंदर आपको रेडियोएक्टिविटी के ट्रेसेस मिलना शुरू होते हैं, वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहे होते हैं कि आपकी जो मायोकार्डियम की ब्लड सप्लाई है वो कैसी है, अच्छी है या बुरी है, वहाँ पर ब्लड प्रॉपर जा रहा है या इस्कीमिक कंडीशन चल रही है। उसके बाद कहते हैं इट्स एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी इज लेस देन दैट फॉर थैलेसाइन बट इट डज नॉट रीडिस्ट्रीब्यूट एंड रिमेन्स इन द मायोकार्डियम अप टू 3 आवर्स पोस्ट इंजेक्शन। ठीक है, कहता है ये इतना ज़्यादा अच्छी तरह एक्सट्रैक्ट नहीं होता मायोकार्डियम के अंदर, मतलब यानी कि ब्लड के अंदर से एक्सट्रैक्ट करके मायोकार्डियम में इतना ज़्यादा नहीं जाता जितना कि थैलेसाइन चला जाता है। बट वो कहता है इसका एक एडवांटेज ये है कि जितना भी ये एक्सट्रैक्ट होता है ना वो मायोकार्डियम के अंदर स्टे करता है और वहाँ से वॉश आउट नहीं होता जल्दी अंटिल अप टू 3 आवर्स आफ्टर द इंजेक्शन, thus providing a long time for cranial imaging and single photon emission computed tomography. उसके बाद कहता है the liver and kidneys are other organs of large localization. कहता है heart के बाद technetium labeled system में भी कि जो organs हैं जहाँ पे ज़्यादा uptake नज़र आता है आपको वो कौन से हैं, liver and kidneys. ठीक है, उसके बाद it is excreted intact through the hepatobiliary system and kidneys. कहता है कहाँ से excrete होता है, hepatobiliary system से और kidneys से। नहीं बाजी मैंने कोई मीटिंग लॉक नहीं की, कर देता हूँ वैसे टाइम काफी ज्यादा हो गया। अच्छा, उसके बाद वो कहता है जी टेक्नीशियम लेबल्ड टिबोरोक्साइन। ठीक है, इसको हम किस नाम से मार्केट में ये मिलता है, कार्डियोटेक के नाम से। दिस इज एन अनदर टेक्नीशियम लेबल्ड कंपाउंड फॉर इमेजिंग द मायोकार्डियम आफ्टर इंटरवेनस इंजेक्शन इट इज रैपिडली क्लियर फ्रॉम द ब्लड। The peak activity in the myocardium is achieved within few minutes, after which it starts to redistribute. This factor is its strength and its weakness. ये इसकी peak activity आपको myocardium के अंदर कुछ ही minutes के अंदर मिल जाती है और उसके फौरन बाद ही ये क्या नाम है wash out होना शुरू हो जाता है आपकी myocardium से। वो कहते हैं ये जो इसकी एक क्या नाम है capability है ना वो इसकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। वो कहते हैं स्ट्रेंथ कैसे है, स्ट्रेंथ इट अलाउज टू कॉज रेस्ट एंड स्ट्रेस स्टडीज टू बी परफॉर्म्ड इन लेस देन 1 आवर। ठीक है, इससे आप कार्डियक रेस्ट और कार्डियक स्ट्रेस यानी कि आफ्टर एक्सरसाइज स्टडीज जो है वो कर इजीली कर सकते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर। मार्क इंप्रूवमेंट ओवर सिस्टम में भी, ठीक है, सिस्टम में भी इससे ज़्यादा इसके अंदर आपको अच्छी एफिशिएंसी मिल जाती है। एंड ए वीकनेस बिकॉज देयर इज नॉट इनफ टाइम टू गेट ए गुड क्वालिटी प्लेनर इमेजेस, ऑल्सो नो टाइम टू परफॉर्म स्पेक्ट। ठीक है, और वो कहता है इसकी वीकनेस क्या है कि आपको अच्छी क्वालिटी के इमेजेस नहीं मिलते और दूसरा ये है कि आप सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी नहीं परफॉर्म कर सकते जो कि थोड़ा सा लंबा होता है। उसके बाद वो कहता है द लिवर इज अ ऑर्गन विद मैक्सिमम लोकलाइजेशन 33% एट 15 मिनट्स पोस्ट इंजेक्शन। उसके बाद वो कहता है कि आपकी फ्यू मिनट्स जब मायोकार्डियम में आपकी रेडियोएक्टिविटी चलेगी तो वहाँ से वॉश आउट होने के बाद नेक्स्ट 15 मिनट्स के अंदर 33% आपको आपके लिवर में मिलेगी। द प्राइमरी रूट ऑफ एक्सक्रीशन इज द हेपेटोबिलरी सिस्टम विद सम एक्सक्रीशन थ्रू द किडनीज। ठीक है, उसके बाद आता है जी टेक्नीशियम लेबल टेट्रोफॉस्मेन। ठीक है, इसको हम मायोव्यू के नाम से मार्केट में मिलता है। This is the most recent radiopharmaceutical approved for heart imaging. After an intravenous injection, it is rapidly cleared by skeletal muscles, heart 1%, liver 7.5% and kidney 6.2%. Less than 5% of injected dosage remains in the blood, salivary and thyroid glands also show elevated concentrations. ठीक है, वो कहते हैं कि intravenous injection के बाद ये foreign clear हो जाता है skeletal muscles से और heart से भी 1% clear हो जाता है, liver से 7.5%, kidney से 6.2%. और आपके सलाइवरी ग्लैंड्स और थायराइड ग्लैंड्स के अंदर भी आपको हाई अपटेक मिलता है टेक्नीशियम लेबल टेट्रोफॉस्मिन का। विद इन 48 आवर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 75% ऑफ द डोज इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। कहता है 48 घंटों के अंदर यानी कि 2 दिन के अंदर अंदर 75% डोज जो है वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट कर दी जाती है। कैसे, 40% यूरिन के थ्रू 35% फ्रॉम फीकल एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन पर्टिकुलरली फ्रॉम द स्केलेटन मसल इज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जो आपके स्केलेटन मसल के अंदर रेडियोएक्टिविटी का अपटेक हुआ था वो सिग्निफिकेंटली तेजी से क्या नाम है एक्सक्रीट होता है जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। दिस एजेंट अलाउज एक्सरसाइज एंड ब्रेस्ट हार्ट स्कैंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन द सेम डे। ठीक है, ये जो एजेंट है इससे आप क्या नाम है रेस्ट और स्ट्रेस कार्डियक स्कैन जो है वो एक ही दिन के अंदर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल 11 बजे अगर आपने एक रेस्ट का स्कैन किया कि कार्डियक रेस्ट जब आपने यानी कि नॉर्मल थे आपको लिटाया और आपका कार्डियक स्कैन किया
तो उसके बाद आप पेशेंट को कहते हैं जाए जाके थोड़ी जॉगिंग करके आए, थोड़ी एक्सरसाइज करके आए, फिर 4 घंटे बाद आप दोबारा से उसका स्कैन करते हैं जिसको हम स्ट्रेस स्कैन बोलेंगे। उस टाइम आपकी कार्डियक एक्टिविटी हाई होगी, तो उन दोनों के अपटेक्स को क्या नाम है कंपेयर किया जाएगा कि रेस्ट पे कैसा अपटेक आया था कार्डियक के अंदर और स्ट्रेस यानी कि एक्सरसाइज करने के बाद कैसा अपटेक मिला आपको। उसके बाद वो कहता है जी टेक्नीशियम लेबल्ड ब्रेन इमेजिंग एजेंट्स, उसमें क्या कहता है एक्सामिटाजाइन ठीक है जिसको हम क्रेटेक बोलते हैं, हेक्सामिथाइल प्रोपाइलिन अमाइन ठीक है अमाइन ऑक्साइम जिसको हम बोलते हैं एच एम पी ओ, एच फ्रॉम हेक्सा, एम फॉर मिथाइल, पी फॉर प्रोपाइलिन, ए फॉर अमाइन और ओ फॉर ऑक्साइम ठीक है। एक हो गया एक्सामिटाजाइन जिसको क्रेटेक बोलते हैं ठीक है, दूसरा एच एम पी ओ एंड तीसरा इथाइल सिस्टीनेट डाइमर ई सी डी। ये तीनों एजेंट्स जो हैं टेक्नीशियम लेबल्ड होते हैं और ये हम यूज़ करते हैं ब्रेन इमेजिंग के लिए। वो कहते हैं दीज रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड देयरफॉर एक्टिवली लोकलाइज इन द ब्रेन ठीक है। ये वो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ब्रेन के अंदर लोकलाइज करते हैं, जो आपके बाकी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं उनका ब्रेन में आपको अपटेक नहीं मिलता। बिकॉज देयर अपटेक इज जनरली अ फंक्शन ऑफ रीजनल ब्लड फ्लो दीज एजेंट्स इन कंजक्शन विद फैक्ट आर नाउ बीइंग यूज्ड टू मेजर ब्लड और नाउ बीइंग यूज्ड टू मेजर ब्रेन फंक्शन। वो कह रहा है क्योंकि ये जो सारे क्या नाम है एजेंट्स हैं जो भी ऊपर बताए गए हैं इन सब का अपटेक जो है वो रिलेटेड किससे है कि ब्रेन को आपका ब्लड फ्लो कैसा जा रहा है ठीक है, कम है ज़्यादा है इस्कीमिक है या नॉन इस्कीमिक है ठीक है। तो इसके अपटेक से आप ये चीज़ भी मेजर कर सकते हैं कि ब्रेन फंक्शनिंग कैसी है और वहाँ पर ब्लड फ्लो कैसा जा रहा है ठीक है। आफ्टर इंटरमीडियस इंजेक्शन ऑफ द क्रेटेक द पीक अपटेक इन द ब्रेन इज रीच एट 1 मिनट ठीक है। वो कह रहे हैं इंट्रामिनस इंजेक्शन अगर हम क्रिटक का देते हैं तो हमें पीक अपटेक जो है वो ब्रेन के अंदर 1 मिनट के अंदर अंदर मिल जाती है। द रिमाइंडर ऑफ द डोजेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द होल बॉडी पर्टिकुलरली इन मसल एंड सॉफ्ट टिश्यूज, इट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी बाय द वे ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट किडनीज इन सिमिलर अमाउंट्स। उसके बाद वो कहता है स्पेक्ट इमेजिंग, स्पेक्ट क्या होता है, स्पेक्ट इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग ए गैमा कैमरा टू एक्वायर मल्टीपल 2D इमेजेस आल्सो कॉल्ड प्रोजेक्शंस। जो आपका स्पेक्ट कैमरा होता है ना सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफिक कैमरा, यही जो नॉर्मल कैमरा होते हैं उसी को स्पेक्ट कैमरा भी बोलते हैं। वो क्या करता है वो डिफरेंट एंगल से यानी कि आपकी बॉडी के गिर्द रोटेट करते हुए हर दो एक दो डिग्रीज के फर्क से इमेजेस लेता है, देन उन इमेजेस को कंपाइल करता है ठीक है, और कंपाइल करके एक 3D डेटा सेट बनाता है जैसा कि आपका CT के अंदर बनता है 3D डेटा सेट ठीक है। ए कंप्यूटर इज देन यूज्ड टू अप्लाई टोमोग्राफिक रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम टू द मल्टीपल प्रोजेक्शन यूजिंग ए 3D डेटा सेट ठीक है। जैसे कि आपके CT के अंदर आप 2D इमेजेस आपका क्या नाम है लेता है डिटेक्टर और बाद में कंपाइल करके 2D इमेजेस को ठीक है आपका एक 3D डेटा सेट बनाता है जिससे आपको एक 3 planes के अंदर यानी कि सेजिटल कॉर्डन और एक्सियल प्लेन के अंदर इमेजेस मिल जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे स्पेक्ट का भी इसी तरह काम होता है कि डिफरेंट प्रोजेक्शन से इमेजेस लिए जाते हैं, उनको पाइल अप किया जाता है 3D डेटा सेट बना के आपको तीनों प्लेन्स के अंदर इमेजेस प्रोवाइड करता है आपका कंप्यूटर सिस्टम। दिस डेटा सेट में देन बी मैनिपुलेटेड टू शो थिन स्लाइसेस अलोंग एनी चोजन एक्सिस ऑफ द बॉडी सिमिलर टू दोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर टोमोग्राफिक टेक्निक्स। यहाँ तक ये लेक्चर हो गया कम्प्लीट। अब आगे हम थोड़ा सा आयोडीन का भी पढ़ लेते हैं कि आयोडीन के कौन कौन से लेबल्ड कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा जी वो कह रहा है जी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स लेबल्ड विद आयोडीन 131 एंड 123 विद द एडवेंट ऑफ टेक्नीशियन IDM कंपाउंड्स यूज ऑफ आयोडीन लेबल्ड कंपाउंड्स फॉर डैमेजिंग हेल्थ द क्लाइंट शार्पली ठीक है। पहले आपका आयोडीन बहुत कॉमनली यूज होता था बट इसकी एक तो हाफ लाइफ लॉन्ग थी ठीक है, दूसरा इसके जो रेडिएशन की वो है एनर्जी वो भी ज़्यादा है, इसलिए जैसे ही टेक्नीशियम आपका डिवेलप किया गया था यानी कि टेक्नीशियम का पता चला था कि ये भी यूज़ हो सकता है एज ए रेडियो फार्मास्यूटिकल एजेंट
तो उसके बाद से आपके टेक्नीशियन लेबलिंग को बहुत हद तक छोड़ दिया गया। हाउ आर टू आइसोटॉप्स ऑफ आयोडीन आयोडीन 131 एंड 131 आर कॉमनली यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ थायराइड डिजीज। जो आपका आयोडीन 131 और 123 रेडियोएक्टिव आयोडीन का आइसोटॉप है उसको यूज किया जाता है थायराइड डिजीज के डायग्नोसिस के लिए। आयोडीन 131 इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म एंड थायराइड कैंसर। जो 131 है वो मोस्ट कॉमनली यूज होता है आपके थेरेप्यूटिक न्यूक्लियर स्कैन के अंदर। उसके बाद वो कहता है जी फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पसेस आयोडीन 123 विद अ हाफ लाइफ ऑफ 13 आवर्स एंड 87% ऑफ 160 केवी गामा रे एमिशन। आपकी जो उसकी टेक्नीशियन क्या वो 140 केवी है, ठीक है। इज द रेडियो न्यूक्लियोइड ऑफ चॉइस बिकॉज इट डिलीवर सिग्निफिकेंट लेस रेडिएशन डोज टू द थायराइड देन आयोडीन 131, ठीक है। डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए आप कौन से यूज करते हैं 123 की 160 केवी की एनर्जी की गामा रे एमिशन है, जबकि आई थिंक सो जो 131 है उसकी 500 की रेंजेस के अंदर है। The two disadvantages of iodine 123 is its cost and sometimes the presence of large amount of other radioactive isotopes of iodine such as 124. दो disadvantages हैं iodine 123 के, एक तो ये महंगा मिलता है आपको क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल नहीं होता, दूसरा ये है कि इसके अंदर impurities के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि बहुत मुश्किल होता है iodine 123 के isotope को produce करना 124 के बगैर, ठीक है, दोनों इकट्ठे ही produce होते हैं। This contaminates not only increase the radiation dose but also degrade the images quality. उसके बाद वो बता रहा है कि 131 और 123 labeled sodium iodide, ठीक है। The radiopharmaceutical one labeled with 131 and 123 sodium iodide is commercially available as a capsule or solution with high specific activity and is almost carrier free. Carrier free का मतलब ये होता है कि इसके साथ कोई और radionuclide मौजूद नहीं होता। Because iodine ion is readily absorbed from the stomach, it is generally administered orally. जो आपका आयोडीन का क्या नाम है आयन है ना, वो आपके स्टमक में से बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होकर आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुँच जाता है और वहाँ से क्या नाम है जहाँ भी उसकी लोकलाइजेशन है वहाँ बहुत जल्दी हो जाती है एज कम्पेयर टू आई वी, ठीक है। तो इसलिए मोस्ट कॉमनली जो आपके आयोडीन लेवल कंपाउंड हैं आप उनको ओरली ही इंजेस्ट करवाते हो। After an IV administration, the iodide ion is very quickly distributed towards the extravascular water. From there, it is slowly taken up by the thyroid, stomach, and intestines, salivary gland, and choroid plexus. ठीक है, IV अगर आप देते हो आयोडीन तो आपकी बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में जाके अब्जॉर्ब होता है और वहाँ से बहुत आहिस्ता आहिस्ता जाके फिर थायराइड में जाता है। एज कम्पेयर के अगर आप उसको ओरली इंजेस्ट करवाते हो तो वहाँ से वो जल्दी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होकर आपके थायराइड में जाकर लोकलाइज करता है, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं ए लार्ज फ्रैक्शन इज फिल्टर्ड इनटू द यूरिन बाय किडनीज बाय 24 आवर्स, अबाउट 75% ऑफ इंजेक्टेड डोजेज इज एक्सक्रीटेड, 15% इज टेकन अप बाय द थायराइड, 4-5% इज टेकन अप बाय द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड 1-2% सर्कुलेटिंग इन द ब्लड। इन द थायराइड आयोडीन इज देन ऑर्गेनिफाइड, ठीक है। जब थायराइड के अंदर आपकी अपटेक हो जाती है रेडियो एक्टिव कंपाउंड जो लेबल किया गया था आयोडीन से, तो वो उसको ऑर्गेनिफाई करता है। ऑर्गेनिफाई का मतलब है कि थायरोग्लोबिन के साथ मिलके वो थायराइड का हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, सच एज T3 और T4। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियो आयोडाइड कैन बी ड्रास्टिकली चेंज इन सम डिजीजेस, पर्टिकुलरली हाइपोथायरॉयडिज्म और सीवियर किडनी मैलफंक्शंस, ठीक है। वो कह रहा है कि जो रेडियो आयोडाइड की डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी थायराइड के अंदर वो चेंज हो सकती है डिजीज के ऊपर डिपेंड करते हुए, जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म और सीवियर किडनी मैलफंक्शनिंग के अंदर। In hyperthyroidism, the thyroid can uptake up to 90% of the administered dosage with practically no excretion, whereas in hypothyroidism, the thyroid takes up little, about 1-2% iodide with excretion up to 95%. जैसा कि तहरीन ने कल या परसों मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर क्या हमें हर स्कैन के अंदर डिजीज एरिया में हाई अपटेक ही मिलेगा, तो मैंने तब बताया गया नहीं कि इट डिपेंड्स ऑन द डिजीज के डिजीज किस टाइप की। अब देखो हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होता है, आपका थायराइड जो है एनलार्ज कर जाता है, तो वो एनलार्ज होने की वजह से क्या नाम है वहाँ पे हाइपरट्रॉफी होती है, जिसकी वजह से आपकी ब्लड सप्लाई भी वहाँ पे ज्यादा हो जाती है, उस वजह से आपके थायराइड में हायर अपटेक आ जाता है। सिमिलरली हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो अट्रॉफी करना शुरू हो जाता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, इसलिए वहाँ पे कम अपटेक होता है और हमें वहाँ पे कोल्ड एरियाज मिलते हैं, और जहाँ हाइपरथायरॉयडिज्म है वहाँ पे ज्यादा अपटेक होता है तो वहाँ पे हमें हॉट एरियाज मिलते हैं। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। सर फिर हाइपरथायरॉयडिज्म से एक्सक्रीशन कैसे होगी? बाजी आहिस्ता आहिस्ता करके, यानी कि जो आपके हाइपो है ना उसमें एक्सक्रीशन अर्ली हो जाएगी, जो हाइपर है ना वहाँ से जो ब्लड के अंदर वॉश आउट है वो जरा लेट होता है क्योंकि वो उसके अंदर स्टे कर रहा होता है और वहाँ से उसको आयोडीन को रिलीज नहीं होने दे रहा होता। एक्सक्रीशन होगी तो पेशेंट डोज ज्यादा हो जाएगी, ऑब्वियस ही बात है क्योंकि वो टाइम लेगा एक्सक्रीट होने में बॉडी से।
ठीक है ठीक है आगे वो आगे वो कहता है आयरन 123 लेबल्ड कंपाउंड्स टू अदर आयरन 123 लेबल्ड कंपाउंड्स आर आयरन 123 हेपरन एंड आयरन 123 आइसोप्रोपाइल एम्फेटामिन ठीक है इसको स्पेक्टामिन भी कहते हैं आर फाइंडिंग इंक्रीज्ड यूज इन न्यूक्लियर मेडिसिन आयरन 123 हेपरन इज रैपिडली क्लियर बाय द किडनीज एंड देयरफॉर इज यूज्ड टू स्टडी रीनल फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ रीनोग्राम्स ठीक है टेक्नीशियन लेवल डीटीपी और डीएमएसए की जगह आयरन 123 को यूज करने के बारे में ट्रायल्स किए जा रहे हैं ठीक है उसके बाद वो कहता है आयोडीन 123 आइसोप्रोपाइल एम्फेटामिन जिसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्रेन फंक्शन पर्टिकुलरली द चेंजेस इन रीजनल ब्लड फ्लो ब्रेन फंक्शन स्टडीज विद आयोडीन स्पेक्ट्रम इन कंजक्शन विद स्पेक्ट आर प्रॉमिसिंग एज एन ऑल्टरनेटिव टू द यूज ऑफ फ्लोरिन डीऑक्सी ग्लूकोज फ्लोरिन डीऑक्सी ग्लूकोज जो है वो आपकी पेट इमेजिंग के अंदर यूज होता है ठीक है जो कि एक और ऑल्टरनेटिव है स्पेक्ट का ठीक है वहां पे फ्लोरिन के अलावा कोई और आप क्या नाम है जैसे टेक्नीशियम आयोडीन गैलियम से क्रोमियम ये वाले जो रेडियो आइसोटॉप से ये नहीं यूज करते सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन डीऑक्सी ग्लूकोज जो एक रेडियो फार्मास्यूटिकल है उसको यूज करते हैं ठीक है हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में एंड पे जाकर पढ़ेंगे कि पेट्रोस्पेक्ट क्या होता है ठीक हो गया आज तक के लिए इतना काफी है नेक्स्ट जो अदर कंपाउंड हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ठीक है किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन सर जी सर जिस तरह आपने बताया है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑर्गन की एट्रोफी हो रही हो तो वहाँ पे कम अपटेक होगा और जो ज्यादा इंडाज हो रहा होगा वहाँ पे जो है वो ज्यादा होगा तो सर मैंने पूछना था कि उसका जो मोड होगा फॉर एग्जांपल अगर हम ऑरली लें या आईवी लें तो दोनों तरीके से होगा मीन्स के अगर ऑरली लें तब भी इनटेक जहाँ पे एट्रोफी होगी वहाँ पे कम होगी बेटे मैंने आपको वही बताया कि सिर्फ आयोडीन लेवल जो कंपाउंड्स है ना उनको हम मोस्टली इंजेस्ट करवाते हैं ठीक है जो बाकी जितने भी टेक्नीशियन लेवल कंपाउंड्स है ना सबको इंजेक्ट ही किया जाता है किसी को भी इंजेस्ट नहीं करवाया जाता ओके सर ठीक है और दूसरी बात रही अपटेक की तो अपटेक वही बात है कि देखो हाइपर और हाइपरथायरॉइडिज्म में तो मैंने आपको बता दिया ना इसी तरह डिफरेंट ऑर्गन की डिफरेंट डिजीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि किस टाइप का अपटेक मिलेगा ठीक है मोस्टली आपको हाई अपटेक ही मिलता है लेकिन जब कभी आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल लिवर के अंदर डिफरेंट किस्म के हेमेंजियोमा और हेपेटोब्लास्टोमास होते हैं ठीक है तो उनकी नेचर डिफरेंट होती है कुछ जो होते हैं लाइक वो कंट्रास्ट को सारा का सारा अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं कुछ जो होते हैं वो उनके अंदर अब्जॉर्ब नहीं होता उनकी एक बाउंड्री सी क्रिएट हो जाती है ठीक है कुछ होते हैं वो फौरन अब्जॉर्ब करके फौरन उनके अंदर से एक्सक्रीशन हो जाती है कुछ इस तरह के होते हैं कि उनके अंदर आपका कंट्रास्ट जो है सिटी के अंदर और यहाँ पे अगर रेडियो फार्मास्यूटिकल है तो वो थोड़ी देर तक स्टे करता है क्योंकि वहां से वॉशिंग आउट नहीं हो रही होती प्रॉपरली ठीक है वहां से उन्होंने ऑर्गन को डैमेज कर दिया होता है तो इस तरह डिफरेंट डिजीज में कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि डिजीज किस टाइप की है उसने किस टाइप का ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट कॉज किया हुआ है तो उस पर डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप का अपटेक मिलेगा और किसी का कोई क्वेश्चन सर जैसे एक ऑर्गन के लिए काफी ज्यादा रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं तो हम किस बेस पे सिलेक्ट करते हैं उनको बेटे लोकलाइजेशन पहले लेक्चर में आपको बताया था कि लोकलाइजेशन वहां पे किस फार्मास्यूटिकल की सबसे ज्यादा है ठीक है एनिमल पे ट्रायल्स किए जाते हैं फिर इंसानों पे ट्रायल्स किए जाते हैं फिर उसके बाद डिजीज पेशेंट्स पे ट्रायल्स किए जाते हैं फिर लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स पे ट्रायल किए जाते हैं फिर उसको क्या नाम है मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि इस ऑर्गन की स्टडी के लिए ये वाला फार्मास्यूटिकल इज द बेस्ट ये स्टार्ट के लेक्चर्स में हमने बात पढ़ी सर क्लियरेंस रेट को भी तो कंसीडर करेंगे ना फिर क्लियरेंस रेट ऑब्वियसली बात है कंसीडर किया जाता है लेकिन ऑलमोस्ट सब रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का ऑलमोस्ट देख लें सेम ही होता है ठीक है किसी का यूरिन के थ्रू ज्यादा है किसी का क्या नाम है उसके थ्रू फीकल एक्सक्रीशन के थ्रू ज्यादा है इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बॉडी कि वो किस तरह फंक्शनिंग कर रही है और बेटे और कोई क्वेश्चन excuse me sir oh yeah oh ji mashallah mashallah ji ji excuse puchhe सर मैंने ये पूछना था कि ट्यूसडे को जो हमारा एंजियोग्राफी का क्विज है वो उसमें ना हमारे लेक्चर्स जो है ना फर्स्ट कॉर्नर ही वो अस्तगफिरुल्लाह ये एंजियोग्राफी का लेक्चर है नहीं सर मैं बस ये पूछने लगी हूं कि उसमें ना क्यों क्यों पूछने लगी आप ये वजह कल आपको सभा ने ग्रुप में मैसेज नहीं किया कि चार लेक्चर्स बन रहे हैं शो मैंने ग्रुप नहीं देखा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह
हाँ जी, वो जो आप पूछना चाह रही हैं ना, वो यही उसका जवाब है कि चार लेक्चर्स ही बन रहे हैं, एक फर्स्ट इंट्रो वाला, उसके बाद जो फर्स्ट थ्री लेक्चर्स हैं, ठीक है, वो चार बन रहे हैं टोटल। ठीक है, मैंने लेक्चर थ्री तक बोला था ना, तो उसको मैंने लेक्चर के अंदर नंबरिंग नहीं दी हुई कि लेक्चर वन नहीं दिया हुआ, जस्ट इंट्रो का नाम दिया हुआ, तो एक वो इंट्रो और अगले तीन लेक्चर्स। ओके सर, हाँ जी, और किसी को कोई क्वेश्चन? नहीं है। सर रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? बेटे सबसे पहले साइड इफेक्ट तो रेडिएशन ही है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि क्या नाम है, कि जो ये फार्मास्यूटिकल्स होते हैं ना, जब ट्रायल से गुजरते हैं ना, तो वो इनके साइड इफेक्ट्स को नोट करके तभी इनको क्या नाम है मार्केट में लाया था, ठीक है। तो अगर ट्रायल्स के अंदर कोई इस तरह के साइड इफेक्ट्स आपको क्या नाम है मिले कि वो क्या नाम है हार्मफुल हो, क्या नाम है पेशेंट के लिए, और क्या कहते हैं बाद में, यानी कि पेशेंट को तंग करें, तो उस तरह के रेडियो फार्मास्यूटिकल को ना क्या नाम है एडवाइस नहीं किया था, ठीक है। इनके मिनिमम साइड इफेक्ट्स होते हैं कि यार किसी को वॉमिटिंग आने लगी, नॉजेस फीलिंग आने लगी, हेडेक हो गया, बट टाइग हो, यानी कि हल्के हल्के साइड इफेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, किसी भी, यानी कि वो तो आप कोई नॉर्मल वैक्सीन वगैरह भी लगवाएं तो उससे भी उस तरह के आपको साइड इफेक्ट आ जाते हैं, ठीक है, इतना कोई सीवियर साइड इफेक्ट नहीं होता। हाँ, अगर किसी की किडनीज प्रॉपरली वर्किंग नहीं है, यानी कि किडनीज का इशू है, तो उनको ज़रा मसले मसाइल पेश आते हैं फिर, क्योंकि वो एक्सक्रीट नहीं हो पाता प्रॉपरली बॉडी से, ठीक है, तो तब कुछ कंसिडरेशन पेशेंट के साथ की जाती हैं कि यार इसको लगाना चाहिए ये इंजेक्शन या नहीं, इस तरह की बातें। हाँ जी, और सवाल? बेटा ओके सर, इसने कितना टाइम है? समझ नहीं आई क्या पूछा बेटे? सर ट्यूसडे को जो हमारा क्विज होगा उसके लिए उसको सॉल्व करने के लिए कितना टाइम मिलेगा? 22 मिनट्स। सर समझ नहीं आई, 22 मिनट्स आपने तो 25 मिनट्स बोला था। कब बोला? अरे 25 मिनट बोला था सर। कब 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 सर? सर 25 ही बोला था आपने। जैनब बाहर आ जाओ, काके मार खाओगी मेरे से। कितना प्लीज ऐसे ना करें, इतना मुश्किल होता है ना। मुश्किल होता है, रोती वाम सारी उम्र इन्होंने रोते ही रहना है। सर क्विज मुश्किल नहीं होता, टाइम बहुत कम होता है, मैनेज ही नहीं हो पाता। तो वही तो आपको सिखाना है कि हाउ टू मैनेज योर टाइम, प्लीज यही सर तो। मान जाए ना, प्लीज सर 25 कर दें। अल्लाह की कसम, ताड़े वर्गे जिहड़े होंदे ना उन्हां तो वैसे ही बंदे नूं तरस आ जांदा है, ठीक है, ताड़े वर्गे सारे दत्तदार बार च मिलदे ने, प्लीज मान जाए ना। बंदा पूछे लाइक 2 मिनटों के लिए इनको रोना पड़ा हुआ, अच्छा भाई 25 मिनट दे दूंगा बस, हूँ ठीक है। तो भाई थैंक यू दीदीजिएगा। थैंक यू सर। जी, इतना ही इजी दूंगा ना, अब तुम लोगों ने 25 मिनट दिया ना, 25 मिनट वाली एमसीक्यू दूंगा। कैसा फिर ऐसा तो ना करें, तो ना करूँ, मैंने क्या किया? जी फिर आप इजी दीजिएगा। बिल्कुल ठीक हो गया, और कुछ? बस सर यही, अल्लाह आपकी डाइट कबूल करे, प्लीज इजी दीजिएगा। वो अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है कबूल, आप उसकी टेंशन ना लें, तो दुआ करो कि अल्लाह मियां तुहाडी मेरे को जान छड़ा, मैनूं बाहर भेज दे। आमीन। आप इजी देंगे तो आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। लोग जितने भी शैतान हो ना, अल्लाह की पनाह है तुम लोगों से। सर एलएमएस में है या गूगल फॉर्म पे? मैं तो गूगल फॉर्म का ही सोच रहा हूँ, वही ज्यादा अच्छा है। यस सर, गूगल फॉर्म में बहुत अच्छा डिसीजन है आपका। एलएमएस क्रैश कर जाता है ना। यस सर, एलएमएस पे तो कभी कुछ नहीं हुआ ठीक। सही है। अच्छा जी, कितने स्टूडेंट है? 63। कितने? 13 बच्चे एब्सेंट हैं। 13 13 13 13 13। अच्छा जी सर, जी से माफियाज बोलिया, माशाल्लाह माशाल्लाह, जी जी बोल रहे। सर मेरे लास्ट सैटरडे की ना अटेंडेंस नहीं लगे, एब्सेंट मार्क की हुई आपने। वो कैसे जी? सर मैंने रिकॉर्डिंग भी चेक की थी तो मेरी आवाज भी आई है प्रेजेंट बोलने की। कैसे एब्सेंट लग गई आपकी? कहाँ है से माफ बोल? सर मेरी भी एब्सेंट लगी हुई है। ये मेरे मेरे सामने तो प्रेजेंट है। सर मैंने परसों पोर्टल चेक किया था तो एब्सेंट मार्क थी सर सैटरडे की। हाँ ये मैं अपने सामने खोल के बैठा हूँ। सैटरडे की सैटरडे की सैटरडे की प्रेजेंट है सीमा। एनजीओ में होगी। मैं ना कसम से सर तोड़ दूंगा तुम लोगों के, फ्री की टेंशन सर आप लेने वाली मेरा भी बात। नेम चेक कीजिएगा।
आपके नेम को क्या है? अच्छा बोला था, एक साल सर मेरी एब्सेंट मार्क हुई भी है और मैंने लेक्चर भी नोट डाउन किया हुआ है वो। हाँ अक्सा की एब्सेंट मार्क हुई भी है, क्यों हुई अक्सा? सर मुझे नहीं पता, फिर मुझे कैसे पता होगा, हफ्ता पुरानी बात है। सर मैंने तो ली थी ना, लेक्चर भी नोट डाउन किया हुआ है फिर। अच्छा बाजी ये एक एब्सेंट है, बाकी सारे लेक्चरों में आप प्रेजेंट है, क्यों इतना रो रही है? फिर भी सर कोई अटेंडेंस पे अवार्ड मिलना है आप मुझे ये बता दें। अथर इकबाल है क्लास में? यस सर। सदके अच्छा जी इकराम जी सर मेरे अटेंडेंस लगा दें मेरा वजन। अच्छा जी फाइन ठीक है, और कुछ अटेंडेंस लगवाने के लिए तो ऐसे ही लोग होते हैं ना कसम से, लेक्चर में बेशक सोए रहे। आयशा इम्तियाज है क्लास में? आयशा नासिर प्रेजेंट सर। ओके सिंपल आयशा प्रेजेंट सर। ओके आयशा आपका पूरा नाम क्या है? एक तो आयशा नासिर, दूसरी आयशा का नाम क्या है? बजी बोलो सर मुझसे पूछ रहे हैं जी आपका पूरा नाम क्या है? सर सिंगल नेम ही है, सिर्फ आयशा ही है जी। ओके अच्छा जी दाऊद है क्लास में? फाखरा है ना? खालिद प्रेजेंट सर। ओके इरम महादीन महम जाहिद मलीहा ममूना तारिक ममूना रहमान प्रेजेंट सर। ओके शहीद जैदी निमरा नौरीन प्रेजेंट सर। राबिया इरफान प्रेजेंट सर। रगीसा सादिका शहजादी प्रेजेंट सर। ओके शबाल नईम प्रेजेंट सर। तैमूर मुजाहिद भी कल इसने मुझे बोला कि सर आई विल टेक ऑल द लेक्चर्स फ्रॉम टुडे नाउ ये है तो सर जी सर तैमूर का मुझे मैसेज आया था, वो कह रहे थे मैं बार बार मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रही। अच्छा ठीक है, मैंने तो मीटिंग नहीं लॉक की, इवन क्या नाम है आपका वो भी खुला हुआ है, क्या कहते हैं उसको, वेटिंग रूम भी अनलॉक्ड है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, अभी ये तो उसका इशू है ना। यस ठीक है बच्चों, ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज। Hello, officer. Hello, officer. Hello, officer.